कॉस 45 को पाई बाई 4 लिख लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा, और बाकी आप लोग बच्चे जानते ही हो कि 0 से पाई बाई 2 इसको इंटीग्रेट करना है। कोई टर्म छूट तो नहीं रहा है ना, कोई टर्म नहीं छूट रहा है, बात समझे कि नहीं। तो ये कॉस पाई बाई 4 माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना होगा बोलो, कॉस का साइन होगा और थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस। अरे बोलो भाई बच्चों, इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, यस अरे सर, कैसे ये 11th वाले भाग ना जाए, तुम लोग कंप्लीट भागना नहीं, बहुत अब बढ़िया रिजल्ट आएगा कुछ जो भी आएगा। तो इसका जो देखो, इसको हम कुछ और मान लें, मान लो एक्स मान लो इसको, तो अगर हम पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 को एक्स पुट कर दें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डी थीटा बाई 2 बराबर डीएक्स हो गया ना, तो डी थीटा की जगह माइनस 2 डीएक्स रखना है, बस इसको एक्स रख दो, तो ये कितना आ गया कुल मिला के, इसका इंटीग्रेशन जानते हो कितना आएगा, वर्गडन इज इक्वल टू एफ इंटू आर और डी थीटा की जगह माइनस 2 डीएक्स, तो माइनस टू डीएक्स अंदर चला जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, अरे साइन एक्स होता है ना, तो साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, बस रख दो, तो बगडन इज इक्वल टू माइनस 2 एफ आर, यहां यहां रखेंगे तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 साइन 0 हो जाएगा, माइनस थीटा 0 रखेंगे तो 1 बाई रूट 2, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 एफ आर। मैं इसीलिए तुम्हें बताना चाहता था इसको पूरा करके, नहीं समझे बच्चों, ये जान पाए यहां तक कि नहीं, कुछ नहीं जान पाए क्यों, यस अरे सर, ये तो मैथ्स है ना मैथ्स, इसको अगर डेफिनेशन से करते तो सीधा आंसर बता देते, कैसे ब्लॉक यहां था और यहां पहुंच गया, यहां यहां पर, तो हमेशा फोर्स किधर लगा है, ए बी की तरफ ही तो लगा है, अगर देखें अब देखो, बात बात समझो भाई, जब ब्लॉक यहां था तब भी इस पर फोर्स बी की तरफ, जब ब्लॉक यहां है तब भी बी की तरफ, जब ब्लॉक यहां है कि तब भी फोर्स बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ ही तो डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बी की तरफ ही तो है। अरे बच्चों ये नहीं पता चला, तो यस फोर्स का डायरेक्शन बी की तरफ ही तो है बोलो, तो अगर हम निकाले यहां इस ट्रायंगल में, तो फोर्स कांस्टेंट है और बी की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आर रूट टू तो आएगा ना, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं समझे बच्चों, सर, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये यस सर, डिस्टेंस निकालोगे तो आर रूट टू आ जाएगा, तो वही तो है ये एफ इंटू आर रूट टू, नहीं समझे, मैथ्स में यस नहीं, मैथ्स में जब फंसोगे, फिजिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है उसको हमें सीखना है, अगर कोई डेफिनेशन इससे इसको कर देता तो क्या कहता कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स तो हमेशा बी की टुवर्ड्स टुवर्ड्स बी रहा, देखो फोर्स यहां भी है तो बी की तरफ है कि नहीं, जल्दी बोलो, यस फोर्स सर, बी की तरफ रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बी की तरफ कितना हुआ है, मतलब ए पर था तो बी की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ है, तो आर रूट टू आएगा, तो वो सीधा आ जाता ना डेफिनेशन से, यस ये सर, समझे बच्चों, अरे समझे कि नहीं। यस सर, समझ गया। और मैथ्स में अगर पढ़ोगे भाई, क्यों जल्दी कुछ बच्चों का जल्दी एग्जाम जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ का बहुत देर में होता है, यही रीजन है, नहीं समझे, तो इस तरह से हमें फिजिक्स समझना है, हमारा सिर्फ है कि लॉजिकल हमें बनना है, हमें लॉजिक से काम करना है, मैथ्स में जाना ही नहीं है, हम लॉजिक से, जो कंप्यूटर से कोई चीज कैलकुलेट करेगा हम सोच कर बता देंगे, लॉजिक से ही बता देंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चे घबराना नहीं है,
इसका इसको एक बार देख लेना तुम लोग, और जो है फिर हम लोग कर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर।